अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल राज ट्वेन में एंड आज की इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आप भी यहाँ पे अभी अभी यूट्यूब से 3D वीडियोस देख के आए हो और आप भी अपने लिए एक 3D वीडियोस बनाना चाहते हो एंड ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हो जो कि आप अपने चैनल पे अपलोड करो या फिर अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर पाओ बिना कॉपीराइट के एंड किसी भी कॉपीराइट का आपको कोई भी इशू ना हो एंड आपका खुद का ओरिजिनल कॉन्टेंट हो एंड 3D एनिमेटेड वीडियोज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं एंड वो भी ऐसी 3D एनिमेशन जिससे आप कुछ भी एडिशनल चीज़ भी ऐड करना चाहो तो कर पाओ। जैसे कि अगर आपने बहुत सारी 3D वीडियोस देखी होंगी YouTube पे जिनमें ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि गेम में अभी तक आई नहीं है या फिर गेम में है ही नहीं है, ऐसी जगह भी आपको देखने को मिली होगी जो गेम में नहीं है लेकिन वहाँ पे वही करेक्टर्स हैं, सब कुछ ऐसा ही है। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए है लेकिन वीडियो के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बढ़ते हैं वीडियो। एंड गाइस, यहाँ पे 3D एनिमेशन से की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करने हैं एंड वीडियो को स्किप कहीं से भी नहीं करना है क्योंकि छोटे से स्टेप्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इतनी मुश्किल नहीं है 3D एनिमेशन लेकिन स्टेप्स यहाँ पे काफ़ी छोटे हैं जो कि आपने काफ़ी गौर से देखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस कर लेती हो तो हो सकता है आपको कोई एरर या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सके, तो उससे बचने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको लगेगी। सो कमेंट में आपने बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिस्ट्री शॉप के बारे में बात कर लेते हैं कि इस दफ़ा मिस्ट्री शॉप में हमारे पास कैसी मिस्ट्री शॉप आई है एंड क्या कुछ है। अगर हम गेम में बात करें तो यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे इवेंट के बारे में बताता चलूँ कि ये हमारे पास गेम में अभी मिस्ट्री शॉप वेव 2 का इवेंट आया है। काफ़ी ज़्यादा OP इवेंट है, यहाँ पे देख सकते हो एक मंथ में हमारे पास 2 दफ़ा मिस्ट्री शॉप आ रही है, बल्कि 10 दिनों में हमारे पास 2 दफ़ा मिस्ट्री शॉप आने वाली है आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे जिसमें आइटम्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कूल जिस लाइट पास पीसेस में आपको देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा OP इवेंट हमारे पास मिस्ट्री शॉप आया है, सो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी इसमें मिल रहा है। सो गाइज, यहाँ पे आप अगर हम 3D वीडियोज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर में जाना है एंड दो चीज़ तीन चीज़ें एप्लीकेशन हैं वो उसको सबसे पहले आपने डाउनलोड कर लेना है। एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आपने प्रिज्मा 3D आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करोगे एंड उसको डाउनलोड कर लेना है एंड एक एक सिंगल सिंगल स्टेप बता रहा हूँ तो उस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपको एक स्टेप भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। इसके लिए आपको 2-3 दफ़ा दोबारा वीडियो देखनी पड़ जाएगी, इससे बेहतर है कि एक ही दफ़ा आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लें। उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है Z Achiever आपने डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से ही आपको मिल जाएगा। ये दो एप्लीकेशन हैं फिलहाल जो कि आपने डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपने ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद गूगल पर जाना है एंड गूगल पे जाके आपने फ्री 3D लिख के सर्च कर देने हैं। यहाँ पे जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये आपने करने हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। यहाँ से ये 3D यहाँ पे फ्री 3D आप सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। सो इस वेबसाइट में आपको जो है मॉडल्स मिलेंगे, 3D मॉडल्स जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड 3D मॉडल्स होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 3D मॉडल्स ऐसे होते हैं, कुछ भी करेक्टर्स जो होते हैं वो आपकी मर्ज़ी पर तभी चलते हैं जब आपके पास उसका मॉडल होगा। सो आप अपनी मर्ज़ी का उसमें कलर भी कर सकते हो, उसको जहाँ चाहो ले कर जा भी सकते हो एंड वो 3D मॉडल्स ही होता है। जैसे कि अगर आपने YouTube पे वीडियोस 3D वीडियोस देखी होंगी तो उनमें जैसा होता है वो सारा यहाँ पे मॉडल्स के थ्रू होता है। सो मॉडल्स आपको इस वेबसाइट से मिलेंगे एंड मॉडल्स आपने OBGA वाले डाउनलोड करने हैं और कोई भी प्रिज्मा 3D की एप्लीकेशन जो मैंने आपको पहले बताई है वो काम उस पर नहीं सपोर्ट करेंगे। सो आपने जो करने हैं OBGA वाले करने हैं, फिर से बता रहा हूँ आपने OBGA वाले करने हैं। ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, व्हीकल में आपको जाके बता देता हूँ। सो व्हीकल में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी एंड अगर आपने YouTube पे वीडियोस देखी हों तो उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि हमारे पास गेम में नहीं है। कुछ ऐसी गाड़ियाँ, कुछ ऐसे करेक्टर जो कि हमारे पास गेम में होते ही नहीं है लेकिन गेम में वो यहाँ पे यूज़ होते हैं, आपको नज़र आते हैं। सो वो आपको बेसिकली यहाँ ही से मिलते हैं। सो यहाँ से आपने कोई भी गाड़ी जो भी आपको अच्छी लगती है वो आपने उठा लेनी है एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है जो कि आपने फिर उस गेम के अंदर यूज़ करनी है। यहाँ पे बेसिकली आपको सारे के सारे मॉडल्स आपको यहाँ से मिलते हैं, जो भी अगर आपका कोई करेक्टर है, कोई घर है, कोई पीक है, क्लॉक टावर है, वो सारे मॉडल्स आपको चाहिए होते हैं तभी आप 3D एनिमेशन उन पर कर पाते हो। तो यहाँ से आपने करेक्टर्स भी लेने हैं एंड करेक्टर्स भी आपको यहीं से मिलेंगे, व्हीकल्स वगैरह सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा एंड क्लॉक टावर और पीक का जो नॉर्मल मॉडल्स हैं वो आपको यूट्यूब से भी मिल सकते हैं एंड गूगल से भी मिल सकते हैं। नॉर्मल यही दो जो मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं आजकल, सो ये आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ से आपने इसको जो भी आपको गाड़ी पसंद हो या फिर कुछ भी करेक्टर पसंद हो तो उसको डाउनलोड करना है, लेकिन डाउनलोड आपने करना है OBGA में।
यहाँ पे आपको एरो भी शो हो रहा होगा, तो आपने यहाँ पे OBJ की फाइल डाउनलोड करनी है, वही आपके प्रिज्मा 3D के एप्लीकेशन में सपोर्ट होगी, इसके अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने एक वीडियो में ही सब कुछ नहीं बताया। एंड इस पे यहाँ पे पार्ट्स बता दूंगा, सो यहाँ पे पार्ट वन पे आपने सब कुछ, यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कुछ बेसिक्स इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपने करनी है। एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यार कमेंट में आपने ज़रूर बता। एंड जैसे ही आप डाउनलोड कर पाओगे उस करेक्टर को या फिर उस मॉडल को, तो उसके बाद आपने जेड अचीवर एक एप्लीकेशन जिसका मैंने आपको बताया था शुरू में डाउनलोड की है, एंड उसको ओपन कर लेना है। एंड जैसे ही ओपन करोगे तो डाउनलोड वाले सेक्शन में आपने आ जाना है। एंड डाउनलोड सेक्शन वाले में आके यहाँ पे आपने उस फाइल को यहाँ पे ढूंढना है जो भी फाइल आपने डाउनलोड की है। इससे पहले भी मैंने OBJ की फाइल्स कुछ फाइल्स डाउनलोड की हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिलना उसका मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरी फाइल भी सिलेक्ट हो सकती है, लेकिन आपने OBJ वाली फाइल सेलेक्ट करनी है। मेरे पास 3-4 हैं OBJ वाली, अब पता नहीं कौन सी सिलेक्ट होगी, तो आपने देख लेना है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ, सो कोई भी सिलेक्ट हो सकती है, हो सकता है वही वाली सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ से फाइल मैंने डाउनलोड की हैं, एंड यहाँ से एक कोई भी एक फाइल मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। सो उसके बाद फिर से आपको स्टेप बता रहा हूँ, काफ़ी ज़रा कुछ मुश्किल है। सो आपने आ जाना है जेड अचीवर वाली एप्लीकेशन में, आना है डाउनलोड्स में, आना है डाउनलोड्स में आने वाले उस फाइल को आपने ढूंढना है जो कि फ़ाइल आपने डाउनलोड की है, एंड वो डाउनलोड वाले ही फोल्डर में होगी। सो यहाँ से आपने उठा लेनी है। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हमारे पास 25 की एक फ़ाइल है, यहाँ पर आप देख लेते हैं हम अपने पास डाउनलोड वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर 25 के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैंने डाउनलोड की हुई है फाइल्स। तो आपके पास एक ही होगी तो आपने उसी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई दूसरी भी सिलेक्ट हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, सेम यही प्रोसेस है उसके लिए भी। सो यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट एयर पे क्लिक कर देना है, जो भी फाइल आपके पास वो वाली फाइल जो होगी उसको आपने एक्सट्रैक्ट एयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुकी है। सो अब आपने करना ये है, यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुकी है। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे आपने वो वाली फ़ाइल जो आपने एक्सट्रैक्ट की है वो यहाँ से ढूंढनी है। अब यहाँ पे आपके पास दो फाइलें हो चुकी हैं, एक वो जो कि आपने डाउनलोड की है एंड एक वो जो आपने एक्सट्रैक्ट की है, तो दो फाइल्स हो चुकी हैं। अब मैं आपको वो बता देता हूँ। सो यहाँ पे एक फ़ाइल आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये देख सकते हो ये हमारे पास दो फाइल्स हो चुकी हैं, एक जो कि मैंने डाउनलोड किया है एंड जो अभी मैंने कंप्रेस की है वो यहाँ पे मेरे पास आ चुकी हैं, दो फाइलें हैं। सो जो कंप्रेस आपने की है, एक्सट्रैक्ट की है, वो वाली फ़ाइल आपने चूज़ करनी है। ऊपर वाली फ़ाइल अगर चूज़ करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, उस एरर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, काफ़ी यहाँ से आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, एक एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी एप्लीकेशन से आज जो भी आप 3D वीडियोस देखते हो इसी एप्लीकेशन से बनती हैं, इस एप्लीकेशन का यूज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ से आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद जेड अचीवर पे चले जाना है, उसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना है एंड न्यू वाली फाइल उठानी है, न्यू वाली जो भी न्यू फाइल आपने कंप्रेस की है, एक्सट्रैक्ट की है, वो वाली फाइल उठानी है, जो डाउनलोड की है वो वाली फाइल नहीं उठानी। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो डाउनलोड की है वो वाली फाइल नहीं उठानी, डाउनलोड के बाद जब एक्सट्रैक्ट की है, कंप्रेस की है, वो वाली फ़ाइल आपने उठानी है। अगर आपके पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा तो उस एरर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये फाइल हमारे पास आई है जो कि हमने कंप्रेस की है, लेकिन अब मैं आपको एरर बता देता हूँ एरर आपके पास कौन सा आएगा। अगर आप डाउनलोड वाली, यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल्स मैंने डाउनलोड की हैं, डाउनलोड वाली फ़ाइल अगर आप उठाओगे तो आपके पास ये एरर आ जाएगा। अगर ये वाला एरर आपके पास आ जाता है तो समझ लेना आपने फ़ाइल सही नहीं उठाई, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ये वाली फ़ाइल आपने नहीं उठाई, आपने कहीं ना कहीं कहीं पर आपसे मिस्टेक हुई है। सो फिर से बता रहा हूँ, जो डाउनलोड करनी है वो वाली फ़ाइल नहीं उठानी, जो उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया है डाउनलोड करने के बाद, जिस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है, कंप्रेस किया है, वो वाली फ़ाइल उठानी है। सो अब वो वाली फ़ाइल उठा देते हैं, एंड उस फाइल को यहाँ पे देख सकते हो मैंने उठाया है, तो यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट मॉडल हो हमारे पास, इंपोर्टिंग हो रहा है यहाँ पे मॉडल, एंड यहाँ पे भी एक छोटा सा एरर आएगा, हमने अगेन उसको करना है। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फाइल को, इंपोर्ट पे जाके जेड अचीवर पे जाना है एंड डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स के बाद यहाँ पे आपने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की है वो वाली उठानी है, OBJ वाली फाइल याद रखें जिसके लास्ट में OBJ हो, JPG या फिर PNG वाली कोई नहीं उठानी, जिसके लास्ट में OBJ हो वो वाली फ़ाइल आपने उठा लेनी है। उसके बाद जैसे आप उठाओगे तो यहाँ पर आपके पास देख सकते हो मॉडल आ चुका है।
सो गाड़ी का ही हमारे पास मॉडल आ चुका है, लेकिन ये गाड़ी वो वाली नहीं है जो कि मैंने आपके सामने सेलेक्ट की थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओबीजे की फाइल्स थी, सो मुझसे दूसरी फाइल सेलेक्ट होगी। सो आपने जो डाउनलोड करोगे वही सेलेक्ट होगी एंड उसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सो वही वाली फाइल आपने उठा लेनी है, आ जाएगी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फाइल्स थी तो वो वाली फाइल नहीं, लेकिन ये वाली फाइल आ चुकी है, लेकिन ये भी है व्हीकल की है। सो यहाँ पे आपने उसका जो स्केल है वो 4:4 कर देना है, क्योंकि काफ़ी साइज़ इसका छोटा है। तो इसके बाद जैसे आप 4:4 कर दोगे तीनों स्केल इसके, तो यहाँ पे देख सकते हो मॉडल हमारे पास आ चुका है। तो जो बेसिक चीज़ें थी यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि बेसिक पे आपने क्या करना है, कौन सी एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है एंड कहाँ तक जाना है। यहाँ पे आपको बता दूँ प्रिज्मा 3D में सिर्फ और आपको एक प्लेन जगह मिलती है एंड मॉडल्स आपको यहाँ पे खुद पेस्ट करने होते हैं। सो क्लॉक टावर एंड यहाँ पे पीक वगैरह सब कुछ आपने खुद डालना होता है, सारी लाइटिंग वगैरह खुद करनी होती है, कलर खुद करना होता है, सब कुछ आपने खुद करना होता है एंड इनकी जो मूवमेंट होती है वो भी आपने खुद करनी होती है। सो आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी यहाँ पे क्रिमिनल्स बंडल आपने देखे होंगे कि फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन फ्री फायर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे 3D पे होता है, प्रिज्मा 3D पे ही होता है एंड यहाँ पे मूवमेंट आपके कंट्रोल में होती है, आप जैसे चाहो जिसको चाहो जहाँ पे मूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैं जहाँ लेके चलना चाहूँ लेके जा सकता हूँ इसको। एंड यहाँ पे जो और मॉडल्स हैं क्लॉक टावर एंड पीक वगैरह या फिर किसी भी जगह के फ्री फायर के किसी भी जगह के मॉडल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। सो यूट्यूब से भी मिल सकते हैं, डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मॉडल पेस्ट करके भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पे मॉडल आपने किस तरह से पेस्ट करने हैं एंड उसमें जो कलर्स हैं वो किस तरह से करने हैं। सो यहाँ पे भी आप कलर्स का चेंज कर सकते हो, लेकिन कलर्स के लिए आपको और एसेसरीज डाउनलोड करनी पड़ेंगी, कलर वाले कलर्स भी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे एंड वो कलर फिर आपको यहाँ पे एक एक करके पेस्ट करने हैं एंड तब यहाँ पे ये जो आपकी गाड़ी है इसका कलर ठीक होगा। इसके यहाँ पे जो नंबर प्लेट वाली जगह है वहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, किसी का नाम भी लिखना चाहो लिख सकते हो एंड बहुत ही सिंपल है। एंड इसके अलावा जो और मॉडल्स हैं वो सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो बेसिक्स थे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कौन से एप्लीकेशन से क्या होता है एंड क्या क्या आपको जो मॉडल्स मिलने थे कौन सी वेबसाइट से मिलते हैं वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं, कौन सी वेबसाइट से आपको कौन से मॉडल्स मिलेंगे। एंड यहाँ तक अगर आपने यहाँ पे सीख लिया कैसे करना है तो समझ लेना आप 3D एनिमेशन में कुछ ना कुछ कर ही लोगे। एंड यहाँ से आगे भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो सही मुश्किल काम था बेसिक्स थे वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं एंड यही थे बेसिक्स। अगर आपको यहाँ तक आपने सबसे पहले करना है एंड अगर कर लिया तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं इसके आगे आपने क्या करना है। इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप हो जाएगा। एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यार कमेंट में आपने ज़रूर बताना है एंड वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आपने कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक लाजमी से करना है, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। सो ये हमारे पास जो इवेंट है मिस्ट्री शॉप का काफ़ी ज़्यादा ओपी है, इससे अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो आप उठा लो। इस पर यहाँ पे आपको लाइट पास भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है एंड यहाँ पे लाइट पास मेरे पास शो नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइट पास है। सो गाइज ऑप्सो की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।